भगवान की जो मंगलम गोति मोगणी मंगलम बंद कुंदार्य जय धर्मोस्त मंगल नए पर चर्चा अपने प्रारंभ की थी कितने प्रकार के नए होते हैं निश्चय और व्यवहार निश्चय माने यथार्थ और व्यवहार माने अयथार्थ फिर व्यवहार नए के भेद किए दो अपन ने सद्भूत और असद्भूत सद्भूत माने सत्यार्थ जो वस्तु में हो वो सद्भूत और जो वस्तु में नहीं हो वो असद्भूत क्या जिसका वस्तु से कोई संबंध नहीं है फिर भी वस्तु की वो बताए वो असद्भूत है असत्यार्थ झूठा सच्चा नहीं ये असद्भूत का अर्थ है या यूं कहें जो भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न बताए चीजें अलग अलग और अलग अलग चीजों को एक बताए वो क्या है असद्भूत असद्भूत के फिर दो भेद है असद्भूत का कोई सा भी उदाहरण ले लो जैसे उदाहरण के लिए मकान मेरा है तो मकान और मैं अलग अलग हूँ मकान भिन्न में भिन्न हूँ मेरा उससे कोई संबंध नहीं है वास्तव में लेकिन फिर भी जो नए मकान को अपना कहे वो कौन सा नहीं कहलाएगा असद्भूत 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 के दो भेद किए भिन्न असद्भूत भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं उनमें जो एकता का संबंध स्थापित करता है वो असद्भूत है अपने से भिन्न है जुदी है अपनी नहीं है अपना अपनी नहीं होने पर भी उसको अपनी कहता है ये असद्भूत व्यवहार नहीं का काम सद्भूत व्यवहार नहीं अभी बताएंगे अभी असद्भूत के फिर दो भेद हैं उपचरित और अनुपचरित जो दूर की वस्तुओं को अपनी बताए वो उपचरित है और निकट की वस्तुओं को जो अपनी कहे वो अनुपचरित है दोनों ही भिन्न वस्तु है अपने से लेकिन भिन्नता में अंतर है दूर की दूर है और एक पास का है भिन्न लेकिन भिन्न होने पर भी दोनों में ये डिफरेंस है एक वो दूर से दूर का संबंध ही और एक पास का संबंध जैसे मैं कह सकते ना कि ये हमारे दोनों ही चाचा है लेकिन ये दूर के हैं और ये करीब के पास ऐसे ये भिन्न है हमसे लेकिन ये दूर से भिन्न है और एक नजदीक से भिन्न तो दूर के संबंधियों को जो अपना कहे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार है पास के संबंधियों को मैंने निकटवर्ती चीजों को अपना कहे वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार दूर माने क्या क्या आएंगे तो देह के अलावा सब दूर में है ये कपड़े मेरे हैं क्या आपने गाड़ी देखी कि नहीं भी किस गाड़ी से आया हूँ चप्पल जूते कपड़े क्या मेरे घर का फर्नीचर घर अपने ज्वेलरी सब उपचरित में ये सब उपचरित में इनको जो नए अपना कहे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार है क्योंकि ये सब दूर के संबंध पास के बहुत दूर का इनका संबंध है लेकिन इसमें वही चीजें लेनी है जो हमारे पुण्य पाप के उदय से अपने को मिली जिसमें किसी प्रकार से अपना कोई संबंध है मैंने जो संबंध ही नहीं है उसको अपना कहना है तो पाप है कि व्यवहार नए से पड़ोसी का मकान भी मेरे ही है तो किसी की जेब का पैसा लगे व्यवहार नए से तो वही जेब का पैसा मेरे व्यवहार तो वो तो चोरी है कौन से पैसे को अपन अपना कह सकते हैं जो अपनी जेब में है दूसरे की जेब को अपना नहीं कह सकते
तो ये व्यवहार ने जो उच्चरित असंतुलित व्यवहार ने है कि उसी को अपना कहता है जो न्याय नीति से दुनिया जिसे अपना कहती ये उसको नहीं कह सकता कि जिसको न्याय नीति से भी अपना जिसको दुनिया नहीं कहती है, यानी जिसका न्याय नीति से भी अपना कोई संबंध नहीं है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हम जैसे कल से खेल लग जाए यार क्या व्यवहार नए से ये आपकी प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन वो केवल वो किसी वो उसमें मतलब कौन सा नहीं लगेगा, आपका मकान मेरा है, आपकी दुकान, आपका कपड़े, आपके आपका धन मेरा धन है, कह सकते हैं नहीं। किसको अपन अपना कह सकते हैं, जो अपन ने अपने न्याय नीति से कमाया उसको, तो उच्चरित असंतुलित व्यवहार नए से किसी भी नहीं लग सकता, तो उसी में लगता है जो न्याय नीति से अपन ने कमाया है, जिसको दुनिया अपना कहती है, दूर का संबंध है ना, हाँ निकले सारे रिश्तेदार काका मम्मा नन्ना चाचा ताता ताऊ का उपचरित सब उपचरित अपने शरीर से भिन्न है, सचित्त हो अचित्त हो जो भी परिग्रह के लिए है वो सब जी हाँ सचित्त अचित्त सचित्त अचित्त अथवा मिश्र परिग्रह, गांव मेरा है ये मिश्र है क्योंकि गांव में चेतन परिग्रह भी अपना और गांव में अपने चेतन संबंधी भी है, तो दोनों मिले हुए हैं इसलिए गांव क्या कहलाएगा मिश्र, और अपनी स्त्री अपनी है पुत्र अपना है ये सचित्त परिग्रह, और रुपया पैसा मकान जायदाद मेरी है अचित्त सचित्त अचित्त मिश्र किसी प्रकार का परिग्रह है, उसको जो न अपना कहता है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार है, इसकी उपयोगिता बताई थी अपन, यदि नहीं कहें अपन ये विभाग नहीं करें कि भाई जो पुण्य के उदय से मिला है वो अपना है, ये विभाग नहीं करें तो फिर सबका ही पैसा अपना हो जाए, अपन किसी के पैसे को अपना कहने लग जाए ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा, अपने कोई बाउंड्री खींचनी पड़ेगी ना, कल से कोई भी किसी के घर में घुस जाए हिसाब ये तो किसी का है ही नहीं, तो अपन ने एक बाउंड्री खींच दी भाई परिग्रह है हमारे पास इतना, तो ये परिग्रह है अपना हम इतना परिग्रह रखेंगे, ये कौन से नए से हुआ उपचय दशक निश्चय नए से तो अपना कोई है ही नहीं, लेकिन ये जो अपन परिग्रह की जो भी मर्यादा मानते हैं हम इतना रखेंगे इतने कपड़े रखेंगे इतने मकान रखेंगे इतने आभूषण रखेंगे सब उपचरित क्योंकि वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उनको अपना कहता लोक में हम हमारे वो कहे जाते हैं, और ये कहे भी इसलिए जाते हैं ताकि वो की व्यवस्था हो कि सबका अपना अपना है कोई दूसरे की चीज़ों पे हाथ नहीं मार, नहीं तो कुछ भी होने लग जाएगा, तो भाई अपनी जेब का अपना दूसरे की जेब का दूसरे का दूसरे की जेब का अपना मानना वो चोरी है, पर स्त्री को अपनी मानना वो वैसे वो जो है पाप है, समझ में ना, तो इस नए ने चोरी डिफाइन की है, ये तो चोरी की डेफिनेशन आप डिफाइन कर दो इस नए के बिना बताओ, पर द्रव्य को हरण करना वो चोरी है, ये कौन से नए से पर द्रव्य और अपना द्रव्य उपचारित असंतुलित व्यवहार नए से, ये तो चोरी नहीं बनेगी, ऐसे परिग्रह का परिमाण भी नहीं बनेगा, स्वस्थ परिस्थिति का भेद नहीं बनेगा, इसलिए इस नए की उपयोगिता जानकर इसको जिनागम्य स्थान तो मिला है, लेकिन बस उपचारित असद्भुत व्यवहार नए के स्थान पर मिला है इसको, माने ये असद्भुत है बस, इसकी उपयोगिता केवल इतनी है कि अपन अपना लौकिक व्यवहार चला सके, भैया ये इसका मकान है ये अपना है ये इसका पैसा है ये अपना है ये इसकी स्त्री अपनी स्त्री और पराए धन पराए स्त्री में लाभ नहीं करें, तो इतना इसका प्रयोजन है, ये आगे अपने जीवन में अब कहते हैं इसकी मान्यता को छोड़ दो बिल्कुल निर्दयता से कोई दिक्कत नहीं है, क्या मान्यता को पराई तो अपनी है ही नहीं और अपनी स्त्री भी अपनी नहीं है, लेकिन बोलना मत घर जाके कोई भी, ये सब बोलने के लिए नहीं ये बातें, ये बातें केवल समझने के लिए, निश्चय नए समझने के लिए होता है, मान्यता के ठीक करने के लिए होता है, और लोग क्या गलती करते हैं कि उसको है ना अपनी भाषा में ले आते हैं, और जो भाषा में ले आते हैं तो पत्नी उनको डंडे लगाना चाहिए, अच्छा मैं तुम्हारी नहीं हूँ कौन ने बढ़ाया था क्योंकि पंडित जी ने बढ़ाया था, पंडित जी ने बढ़ाया देखती हूँ तुमको बोलने के लिए तो इनका घर पे तो व्यवहार नहीं की भाषा बोलेंगे, लेकिन अपनी मान्यता में क्या मानेंगे, दोनों चीजें अलग अलग।
अब देखो कोई अपन लोग में भी देखते हैं, अपन कोई अपने से पूछता है अपने बच्चे को कि किसका बच्चा है, तो अपन क्या बोलते हैं, आपका ही बच्चा है। अच्छा मेरा ही है क्या, मेरे को ही नहीं मालूम था मेरे बच्चे, तो मैं इसको आज घर ले जाता हूँ। तो इन सब लोग में समझते हैं कि ये सब कहने की बातें मीठी बातें, बाकी वो भी समझ रहे हैं कि ये इनका ही है। जब उन्होंने कहा आपका ही है मतलब इनका ही, वो भी समझता है कि मेरा ऐसा होता है। लोग ऐसे ही ये चिनवानी का ही व्यवहार ऐसे कहने के लिए कहे जा रहे हैं कि हमारे हैं, लेकिन ज्ञानी उनमें से एक भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, और अज्ञानी कहता ही नहीं है, मानता भी है। लड़ने लग जा उसको क्या भी आएंगे उस पर। तो ये उच्चैः दशरथ व्यवहार ने जो है अपने को सदाचार सिखाता है, इसलिए इसकी उपयोगिता है। बाकी ये मानने के लिए नहीं है, मानने के लिए तो इसकी मान्यता छोड़ने लायक, मान ये जो नहीं कहता है वो माना नहीं जा सकता, क्योंकि वो माना जाएगा तो जीव मिथ्या दृष्टि है। जिनवाणी कहती जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ अपना कर, अपने नहीं है तो अपने कहे कब, अपने कहे केवल कहने मात्र के लिए है, लोक व्यवहार के लिए, वास्तव में अपने उसका नाम ही ना उपचरित माने औपचारिक है, असद्भूत असद्भूत सत्यार्थ नहीं व्यवहार है, कहा जाता है बस, वास्तव में साफ है नहीं। कल मैंने उदाहरण दिए थे कि नहीं, दो तीन, इसकी केवल सदाचार के लिए उपयोगिता है, जब वो जीवन में आ जाए तो इसको बिल्कुल साफ करने जैसा है। साबुन तब तब तक लगाया जाता है जब तक कि मेल दूर नहीं होता, जैसे ही मेल दूर हुआ निकाल दो उसी साबुन को, कि नहीं ये साबुन ने तो मेल निकाला है, अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो एक काम करो साबुन पहना हुआ साबुन लगा हुआ कपड़ा पहन लो, फिर सुखा दो उसको, ये पहनो फिर उसको, फिर देखना आस पड़ोस वालों को कितनी चीज गंदा ही। जिस साबुन को अपन ने मेल निकालने के लिए लगाया है, उसी साबुन को मेल निकलने के बाद में भी निकालना पड़ेगा, उस साबुन को भी निकालना पड़ेगा, कि नहीं इस साबुन ने तो मेल निकाला, इतना उपकार किया है तो उपकार कर दिया ना, अब हटा लो। ये इतनी सी यदि आदमी को समझ नहीं होगी, नहीं ये नहीं तो बहुत उपकारी है, इसके बिना काम चल सकता है, व्यवहार के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है कि ये नहीं हो सकता है, सदाचार नहीं हो सकता, तो अब सदाचार तो अब तो आ गया ना, तुम बराए धन को हरण तो कर नहीं रहे हो ना, तुम तो मानते हो ना चोरी है चोरी, तुमको ज्ञान में है ना, इतना विवेक तो सबको है ना, अब इसकी मान्यता रख के क्या करना है, इसकी मान्यता से तो मिथ्यात्व भी होएगा, मानना है इसको अपना, क्या करना, क्यों व्यवहार नए को भी रखना, सब नए रखना, तो सब नए रखने का क्या मतलब है कि व्यवहार नए जो कह रहा है वो मानना, और व्यवहार नए जो कह रहा है वो मानने का मतलब क्या हुआ फिर, उसको तो जिनवाणी मिथ्या दृष्टि का है कि वो मिथ्या दृष्टि है एक नंबर का, कौन जो ये मानता है कि ये स्त्री पुत्र आदि मेरे मेरे सुतती में सबल दीन मेरे धन सु मेरे, तो ये सब लिखा भी नहीं, जो अपने बच्चे मानता है धन मानता है पत्नी मानता है उसको तो जीव जीव तत्व संबंधी भूल है, मिथ्या दृष्टि है। तो इसलिए व्यवहार व्यवहार को भी अंगीकार करने का मतलब यह है कि वो व्यवहार परमार्थ नहीं है, ये मानना ही व्यवहार को अंगीकार करना है। क्या यूं कहे व्यवहार अपने को मानने का मतलब ये है कि उसके माध्यम से जीवन में जो सदाचार आया है उस सदाचार को तो रखना और उसकी मान्यता को छोड़ देना, इसका नाम व्यवहार नए को अंगीकार करना है। व्यवहार नए को अंगीकार करने का मतलब नहीं है कि जो व्यवहार नए कह रहा है वो मान लिया जाए, वो मान लेंगे तो मिथ्या दृष्टि रहेंगे, तो उसका इतने प्रयोजन है कि लौकिक व्यवहार के लिए है बस, तो उतना ही रखो उसको और बाकी उसकी मान्यता को छोड़ो। समझ में आ गई बात, ये नए चक्र है ये, यदि चक्र नहीं समझ में आए तो खुद अपने समझ में, बहुत काम का है तो नहीं बहुत काम का है, ये काम का प्राथमिक भूमिका है अपनी, समझ में ना। इसके बाद में कौन सा है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं का काम क्या है, उसका काम एक ही है, वो देह और आत्मा को एक कहता है, देह और आत्मा को एक कहता है, यद्यपि दोनों अलग अलग है लेकिन फिर भी क्योंकि देह का संबंध कैसा है, निकट का है भिन्न आत्मा से, लेकिन फिर भी ये भिन्न वस्तु को एक कहता है, तो देह यद्यपि आत्मा से भिन्न है तथापि देह और आत्मा को जो ना एक कहे, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है,
इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता यह है कि लोक में अपने को देह ही दिखती है और देह से ही हम जीव की सारी अवस्थाओं को जानते हैं। जो भी संबंध है वो अपन कैसे करते हैं, तो इन कहते हैं हे आत्मा इधर आओ, सौरभ जी की आत्मा इधर आओ पास में। क्या कहते हैं, जो भी नाम दिया, जो देह का मनुष्य का नाम दिया, सब मनुष्य इधर आके बैठो, सब पुरुष इधर बैठो, सब स्त्रियां इधर बैठो, तो कौन से नए से अनुपचरित, तो मेरे को क्या कहना पड़ेगा, जो जो आत्माओं का शरीर पुरुष का है वो आत्माएं इधर बैठे, और जिन जिन आत्माओं का शरीर स्त्री का है वो आत्माएं इधर बैठे। लेकिन अपन ऐसा व्यवहार, अपन तो सीधा डायरेक्ट बोलते हैं स्त्री इधर बैठे पुरुष इधर बैठे, तो आत्मा को पुरुष कहा कि नहीं, स्त्री कहा कि नहीं कहा, और ये नहीं कहेंगे तो लोक में अव्यवहारिकता नहीं फैलेगी, इसलिए अव्यवहारिक नहीं हो, इसलिए अपन ने इस नए को रखा। भले ही असत्यार्थ है, असद्भूत है, तो भी इसकी उपयोगिता जान के इसको स्थान मिला है जीवन। दूसरी बात, लोग हिंसा नहीं करने लगे, क्या नहीं तो ये समझेगे तो देह है, देह को मसल दो, देह मसली है, जीव तो भिन्न नहीं है, जीव तो अचल अमर है, और देह को मसलने पे फिर ये मानेंगे कि हमने कोई पाप किया ही नहीं, तो ऐसा ना करने लग जाए, इसलिए देह और जीव को एक कहा है। भले ही वे दोनों अलग अलग है तो भी लोग हिंसा नहीं करते। अब ये चीज भी अपने जीवन में आ गई, अहिंसात्मक आचरण आ गया, अब क्या करेंगे अपन, इस नए की मान्यता को छोड़ दें। ये जो चीज अपने को रखनी है इसके, मैंने इसका जो फायदा है वो फायदा अपन रखेंगे बस, बाकी इसके जो नुकसान है वो नहीं रखेंगे। फायदा ये है कि इससे अपने जीवन में हिंसात्मक आचरण रहता है, हम किसी दूसरे जीव की हिंसा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि चींटी नहीं है, कौन है, जीव। हम ये नहीं कहते ये शरीर मसल दो इनका, क्यों, ये शरीर है, हम कहते जीव मसला है। तो हम अहिंसा कर रखें, हिंसा न करें, इसके लिए नए है। अब जब ऐसा हमारा आचरण हो गया, ये बात हमारे दिमाग में आ गई कि भाई किसी जीव की मतलब वो शरीर मसलना माने वो जीव को ही मसलना, ये बात अपने चित्त में उतर गई ना, अब इसी नए को, इस नए की मान्यता को क्या करना है, छोड़ दो। इस क्या मान्यता को छोड़ दो, भले ही देह और जीव को एक कहा जाता है लेकिन वे वास्तव में दोनों एक नहीं है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि कई लोग बता सकते, देखो जिनवाणी में भी लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ये कौन से नए से लिखा है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से लिखा है, क्योंकि अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से देह और जीव को एक कहा जाता है, ये स्टाइल है उसकी, इसलिए ऐसा कहा जाता है, इसलिए जिनवाणी में भी कहा क्या, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, ये उस नए का है। किस नए का, असद्भूत व्यवहार नए का है, असद्भूत व्यवहार नए का है। इसका मतलब है कि तुम समझ लो कि उसका कितना वेटेज है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी यूटिलिटी क्या है, वो तो परमार्थ नहीं माना जा सकता। क्योंकि परमार्थ मान के उसको स्वीकार कर ले तो जिनवाणी पढ़ के भी मिथ्या दृष्टि ले सकता है। जो जीव भगवान के शरीर को भी भगवान का मानता है, वो जैसे भगवान के शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं करता, ऐसे ही वो अपने शरीर और आत्मा को भी भिन्न भिन्न नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की भी जो देह के आधार से स्तुति की गई है, उसमें भी नए विभाग लगा के समझ ले कि ये सब अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नए से की गई स्तुति है, ये वास्तविक स्तुति नहीं है, ये निश्चय नहीं की स्तुति तो नहीं, निश्चय नहीं की स्तुति तो उनके गुणों के आधार पर स्तुति होती है, वो निश्चय नहीं की स्तुति है, देह के आधार से की गई स्तुति परमार्थ स्तुति नहीं। क्योंकि आदमी हवाला दे सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो स्तुति की गई है भगवान के शरीर की गई है, भगवान की मानी गई है कि भगवान की स्तुति, तो भगवान की स्तुति शरीर के आधार से हो तो वो ठीक है, और हम यदि अपनी स्तुति शरीर के आधार से करें तो हमको आप मिथ्या दृष्टि कहते हो, मैंने हम देह को अपना माने, हम मिथ्या दृष्टि,
और आचार्य देव और भगवान की स्तुति, भगवान देव की स्तुति करके मान रहे हैं कि भगवान की स्तुति की है, भगवान की स्तुति के नाम पे उनकी देह की स्तुति लिखी और वो आचार्य ने लिखी, तो वो सही है। और हम अपनी देव और आत्मा को एक मानता हमें चेष्टी कि हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लिखी है वो खुद ही कह रहे हैं कि ये उपचरित या अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की स्तुति है, अनुपचित असद्भुत व्यवहार नहीं में स्तुति देह के आधार पर की जाती है, ये ऐसा व्यवहार है। लेकिन ये मानने के लिए नहीं है, मानने के लिए तो ये है कि ये दोनों भिन्न हैं। जगत के जीवों को शरीर से ही आत्मा की महिमा आती है, तो इसलिए उन्होंने भी शरीर के आधार से भगवान की स्तुति कर दी, क्योंकि उनका शरीर भी सुंदर था, वो भी ले ली। किसी लड़की को देखने गए तो लड़की की तो बात कर ही दी अपन, साथ में नमक जैसा ये भी बता दिया कि मकान वकान भी अच्छा था, साड़ी भी पहननी अच्छी थी, गाड़ी भी अच्छी थी। यद्यपि अब इन बातों में कोई दम नहीं है कि कई लोगों के लिए इन्हीं में दम होता है, पर इन बातों में मतलब मेन चीज तो क्या थी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके गुण, उसकी विशेषता वो थी ना। जैसे मेन चीज क्या है, भगवान के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, मेन चीज थी। ये आटा तो ये है, और आटे में नमक की तरह ये तीन छत्र भी है, उनके भामंडल भी है, अष्ट प्रातिहार भी है, ये नमक है। और आटा क्या है, अनंत चतुष्टय, वीतरागता, सर्वज्ञता। अब ये नहीं समझेगा तू और नमक को आटा मान लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या क्या अपने को निकालना क्या है, देखो जगह जगह चीज तो सब मिलेगी आपको, लोग में भी सब बातें सब होगी, किसी लड़की के बारे में, लड़के लड़की के बारे में, क्वालिफिकेशन में सब बातें बताई जाती है, उनका ऐसा है, उनका ऐसा है, उनका ऐसा है। चतुर व्यक्ति जिसको सचमुच इवेल्युएशन करना है तो वो ये देखता है उसमें कि उस लड़की की क्या विशेषता है, क्या, क्यों, क्योंकि वो उसका मकान थोड़ी नहीं उससे शादी होगी, वो तो वहीं रहेगा, क्या उसकी खुद की क्या योग्यताएं हैं। ऐसे ही यहाँ है कि उसकी भगवान जिनेन्द्र स्वयं क्या है, ये सब तो पुण्य के उदय का खेल है जो कि सिद्ध बनते ही समाप्त हो जाएगा। तीन छत्र नहीं की सिद्धावस्था, अष्ट प्रात्याग, भावंडन, सिंहासन, अशोक वृक्ष, दुंदुभी, चौसठ चमर, दिव्यध्वनि, समोषण, कितना मजा आता है इसमें। अभी अपने को यदि मंदिर के अंदर कुछ करना हो तो सब सोने के, चांदी के, जिनवाणी के नाम पे कितने की, 200 रुपए की, मतलब वेदियों को सोने से चांदी से जड़ने में इतना रस है ना, उतना ये 25 रुपए की जिनवाणी खरीदने में नहीं। लो क्यों सब ये सब सोने चांदी में, मतलब बाहर की विभूतियों में बुद्धि है, लेकिन वो अंतरंग जो अनंत चतुष्टय है और जो अनंत चतुष्टय जिसके माध्यम से अपने को प्रकट हो सकता है उसमें रस है, पुण्य के उदय में रस है, आत्मिक वैभव में रस है। आटे में रस नहीं है, नमक ही नमक। देखो जहां भी चर्चा होगी तो थोड़ा बहुत नमक तो मिला रहेगा ही, देखो जिनवाणी में भी चर्चा होगी, सब तरह के शिष्य आत्मिक वैभव की चर्चा भी करेंगे, शरीर की भी चर्चा करेंगे। अब तुम उसको शरीर के वैभव को तुम ये मान लो कि भगवान के वैभव है तो तुम ब्रह्म ही रहो, वो तो उन्होंने साथ में बता दिया कि ये भी उनके था, पुण्य का उदय उनका था, ये भी था, तीन लोग के नाथ थे वो, लोग इतने मानते, क्योंकि जगत के जीवों को महिमा कैसे आती बाहर की चीजों से। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो यही सुन के शादी करते हैं, मकान है उनके, बगाड़ी है और ये है वो है वो है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्वालिफिकेशन देखते हो कि लोगों को पैसे की बहुत नहीं मानते। और धार्मिक संस्कार की तो कोई किसी को वो बल्कि और वो तो नेगेटिव क्वालिफिकेशन है उसकी, बेचारा यदि रात बात को नहीं खाता तो शादी होने में मुश्किल हो जाए ऐसा।
इतनी बड़ी नेगेटिव है। तो वो उसके गुणों के जो असली गुण है ना, वो गुण उसके वो गुणों के आधार पे जो है वो उस पर इवोल्यूशन नहीं करता जो आदमी, तो व्यक्ति को कहाँ समझ रहा है, वो तो चीजों में ही मर रहा है, बस चीजों से शादी हो रही है और चीजों का कोई ठिकाना नहीं होता। अंतिम में आदमी की योग्यता ही काम आती है, ये चीजें तो क्षणभंगुर है। देखो बल्कि मैंने तो देखा कि जिसके ये जिसमें योग्यता नहीं होती है तो वो जाने योग्यता होगी तो कहीं वो व्यक्ति सुखी कैसे रहेगा, सामग्री से कि अपनी योग्यता से। खैर वो तो अपन ने इधर की कही। तो भगवान जिनेंद्र के अंदर भी यही है, जगत के देखो जगत अज्ञानी है, तो अज्ञानी जगत को महिमा बहिरंग विभूति से आती है तो उसका भी यथायोग्य वर्णन किया है, लेकिन वो यथायोग वर्णन किया तो है लेकिन वास्तविक गुण भगवान के वो नहीं है। वास्तविक गुण क्या है, अनंत चतुष्टय। तो वो जितनी भी स्तुति है वो सब कह रहे हैं वो कौन से नए से अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में से, ठीक है। ये सब इसलिए इनका उपयोग भी है, यदि ये नहीं हो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार में तो हम भगवान की मूर्ति के आगे ढोक ही नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो देह की स्तुति, देह के आगे ढोक दे रहे, आत्मा के आगे कहाँ दे लो आप। प्रतिमा किसकी है, देह की। जो भी हम जो गुण भी जो भी जितना वर्णन भी है वो सब देह के आधार से ही वर्णन है, उनका शरीर सुंदर है अष्टप्रत्याहार और जो है शरीर के जन्म के 10 अतिशय, शरीर सुंदर है सुगंधित है खून सफेद है, ये चीजें कितनी अच्छी लगती लोगों, खून सफेद वाइट ब्लड, ब्लड तो लोगों को इनसे महिमा आती। और नहीं करे तो हम मतलब भगवान की स्तुति करना ही मुश्किल पड़ जाए, मतलब जो बाहर की चीजों की ना करे, देह का कुछ भी नहीं वर्णन हुए तो वो जो मतलब जो एक तो सबसे बड़ी बात तो भगवान की प्रतिमा आदि है तो प्रतिमा वगैरह स्थापित नहीं की जा सकती ना, शांत मुद्रा तो देह की मुद्रा है। तो ये सब उपयोगिता जानकर इसको जिनवाणी में स्थान मिला है, लेकिन ये परमार्थ बुद्ध सत्य नहीं है, ये समझने की बात ही है। इसका नाम क्या है, अनुपचरित। अनुपचरित क्यों रखा है इसका नाम, क्योंकि इसका पास का संबंध है, पास माने एक क्षेत्र होगा, जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां देवी साथ में जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते अरे आत्मा तू यहाँ बैठ मंदिर ही बैठ, तो यहाँ ध्यान रखा, घर में बहुत काम है तो काम शरीर करता है, ये सुविधा नहीं है अपने को, इसलिए ये पास का संबंध माने एक क्षेत्र होगा, ये जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां आत्मा जाए। एक क्षेत्र में ही है दोनों, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद का जो संबंध है वो दाल चावल के जैसा है, दाल और चावल मिला दो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं, जब तक बनी नहीं कच्चा है तब तक दाल मिला दी चावल मिला दी, बाद में डिसाइड किया नहीं बनाना दाल चावल खिचड़ी नहीं बनाना, अलग अलग कर सकते हैं कि दाल चावल कर सकते हैं। और दूध और पानी मिला दिया एक साथ, कहा कि अपने को चाय बनानी है और किसी ने कहा नहीं मेरे को दूध पीना है बिल्कुल प्योर पानी मिला बिना पानी का, अब कर सकते हो, कोई उपाय नहीं उसका, उसके लिए सेपरेट मशीन चाहिए, उसका उसकी तरकीब जो है वो मतलब वो कठिन है। ऐसे ये स्त्री पुत्र आदि तो बिल्कुल भिन्न है, दाल चावल जैसे ही अभी अलग अलग हो जाते हैं, हाँ वो दाल चावल वाला उपचरित है और ये दूध पानी जैसा है ना, ये ऐसे अलग अलग नहीं होते। तो जहाँ जाता है वो वहाँ जाता है वो, जहाँ दे जाएगा वहीं आत्मा, जहाँ आत्मा जाएगा वहाँ दे जाएगा, एक क्षेत्र में दोनों क्षेत्र अलग अलग नहीं है, वो अनुपचरित में। असद्भूत क्यों है कहा इसको, क्योंकि वास्तव में ऐसा है नहीं, ये बात सही नहीं है कि देव और आत्मा एक है। और व्यवहार क्यों कहा इसको, क्योंकि ये कहा जाता है लौकिक में ऐसे व्यवहार है, मतलब लोक व्यवहार इसी प्रकार का नहीं, क्यों है क्योंकि ज्ञानी भी इसका उपयोग करते हैं, मैंने जिनवाणी में भी इसको स्थान मिला है, ज्ञानी भी भाषा ऐसी बोलते हैं, नहीं तो ज्ञानी ऐसी भाषा मैंने ज्ञानी का सारा कथन जो है यदि वो लोक में कुछ बोलेगा तो वो मिथ्या ज्ञानी कहलाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, सम्यक ज्ञानी भी बात तो लोक में लोक जैसी करेगा, सम्यक ज्ञानी लोक में चतुर मतलब लोक के अंदर से लौकी की बात करेगा, तो सम्यक ज्ञानी ऐसी बात करेगा और जिनवाणी में भी जो बात कहेंगे वो सब उसी तरह की तो कही जाएगी ना, तो वो यदि फिर मिथ्या ज्ञान कहेंगे अपन उसको तो वो सब जिनवाणी प्रथमा नहीं होगी, झूठा हो जाएगा। रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी, सीता का शरीर इतना सुंदर था, ये सब झूठा हो जाएगा।
इसलिए वो झूठ नहीं है, उसको भी एक नए की अपेक्षा से स्थान मिला है, माने वो व्यवहारिक सत्य है, इसलिए उसको कहा नए है वो सम्यक, माने उसको जो है जिनवाणी सम्यक ज्ञान का अंश है, प्रकार से अंश इस प्रकार से कि वो व्यवहारिक सत्य है, जनपद सत्य, लौकिक सत्य, परमार्थ सत्य नहीं होने पर भी लौकिक सत्य होने से उसको जिनवाणी में स्थान मिला है। ये बात लौकिक रूप से सत्य है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता थी, ये बात भी लौकिक रूप से सत्य है कि सीता का शरीर सुंदर था, ये लौकिक रूप से तो सत्य माना जाता है ना, इसलिए इसको स्थान मिला। देखो आगे चलते हैं, असद्भूत की तो अच्छी चर्चा हुई, असद्भूत अब ये थोड़ा और समझने जैसा है, जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे सूक्ष्मता में पड़ेंगे। सद्भुत व्यवहार नए का क्या काम है कि ये एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करता है, वस्तु एक है, अभेद है, अखंड है, उस अभेद अखंड वस्तु को कोई खंड खंड कर नहीं सकता, एक को अनेक कर नहीं सकता। जैसे आत्मा एक है, एक आत्मा को कोई अनेक कर सकता है क्या? अपना ज्ञान मंदिर में रहे, चारित्र घर में काम करे, और सुख जो है अपने को दुकान में मिलता रहे, सुख गुणवान रहे, यहाँ सुख, यहाँ ज्ञान, यहाँ दर्शन, और हाथों में चारित्र, ऐसा हो सकता है? हाथ में रहे चारित्र, जीवन पे सुख, आँख में दर्शन, और माथे में ज्ञान, ऐसा हो सकता है? जीवन पे सुख, सुख है तो ज्ञान है कि नहीं, वहां चारित्र दर्शन वीर सब है, और दिमाग में ज्ञान ही है कि सुख भी है, सब है, ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर अस्तित्व वस्तुत्व, जहां एक गुण है वहां सब गुण है, तो वस्तु तो अभेद अखंड एक रूप है, अनंत गुण हर एक प्रदेश में, तो ऐसे अलग अलग गुणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अपन समझने के लिए गुण भेद करते हैं वस्तु। देखो जीव में ज्ञान है, जीव में दर्शन है, जीव में चारित्र है, जीव में है के नहीं उसमें भेद डालना, में है मतलब तो ज्ञान वस्तु है और वो जीव में है, तो जीव में है मैंने दो मैंने भेद हो गया ना, जीव में ज्ञान है, जीव एक अलग वस्तु हुई और ज्ञान एक अलग चीज हुई, भेद हो गया। जैसे गोदाम में माल पड़ा हुआ है तो गोदाम अलग है माल अलग है, जैसे जीव में ज्ञान है, जीव अलग हुआ ज्ञान अलग, भेद हुआ कि नहीं? एक ही है, इसलिए वो कहते हैं कि ये भी हम व्यवहार ही कहेंगे, क्योंकि एक ही होने पर भी धोखे दिया आपने, सद्भुत सद्भुत इसलिए क्योंकि वो वास्तव में उसमें गुण भेद जो किया है वो ऐसा नहीं है जैसा कि स्त्री पुत्र आदि, वास्तव में ज्ञान जीव में है भी, लेकिन भेद कर दिया इसलिए व्यवहार, और है इसलिए सद्भुत। नहीं कुछ नहीं आज था भी एग्जाम्पल तो बहुत सारे आएंगे, ठंडाई में शक्कर है और ठंडाई तो शक्करमय है, और ठंडाई में शक्कर कहना तो ठंडाई में शक्कर है ये है तो सही उसमें शक्कर, लेकिन ठंडाई में शक्कर कहा तो ठंडाई और शक्कर का भेद बताया, और भेद बताया इसलिए हो गया वो व्यवहार, वस्तु अभेद है। ठंडाई जो होती ना ठंडाई माने शक्कर केसर इलायची दूध इनकी मिली हुई वो अखंड वस्तु का ही नाम ठंडाई है, और फिर भी अपन ने उसमें कितने सारे भेद डाल दिए, दूध है केसर है इसमें इलायची इसमें ये, दूध केसर इलायची अलग अलग है कि उन सबका मिल के नाम ठंडाई है, मिल के नाम, लेकिन हमने भेद किए ना वस्तु के अंदर की ये है, भेद कर दिया आपने अभेद, इसलिए व्यवहार बटन है। नहीं, अभी देखो एक और व्यवहार है, दूसरी बात ये सद्भुत व्यवहार इसलिए
क्योंकि वो उस वस्तु से भिन्न नहीं है, मैंने उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। एक बार दूध पानी को भी अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है तो आत्मा और ज्ञान को अलग अलग तादात्म संबंध है, सद्भूत है। तादात्म माने वो उससे कभी रहित नहीं होता, ज्ञान से आत्मा कभी रहित नहीं होता। जब जब आत्मा रहेगा तब तक ज्ञान रहेगा, जब जब आत्मा नहीं रहेगा तो ज्ञान भी नहीं। ज्ञान और आत्मा का कभी मतलब तादा ज्ञान और आत्मा का जो संबंध है कि आत्मा होगा तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो आत्मा हो गई, बिना ज्ञान के आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान। उससे अग्नि के बिना यदि उष्णता होगी तो अग्नि तो है, ज्ञान है तो आत्मा है, तो सद्भूत है इसलिए, क्योंकि वो वैसा नहीं है दूध पानी जैसा। दूध और पानी में अलग अलग कर सकते, देह आत्मा अलग अलग होती है भिन्न, लेकिन ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं होता। इसलिए सद्भूत है व्यवहार, इसलिए क्योंकि हमने अभेद में क्या किया है, भेद डाला, अवैध वस्तु थी भेद डाला। क्यों डाला भेद सा, भेद इसलिए डालना पड़ा क्योंकि अवैध को अभेद ही कहते रहे तो अवैध वस्तु समझ में नहीं आए, समझने के लिए अवैध को भेद करके समझाया जाता। जैसे हम ये कहते रहे कि आत्मा अवैध अनंत गुणों का एक पिंड है, आत्मा तो अवैध अनंत गुणों का एक पिंड है, समझ में आता है, समझ में आता ठंडे कोई ठंडी आ सकती, ठंडी कैसे होती, ठंडी तो अवैध अखंड एक है बस, कैसी है अवैध अखंड अनंत अनेक वस्तुओं का पिंड एक है, तो भाई अनेक वस्तु का पिंड तो है लेकिन कुछ तो बताओ, तो फिर अपने को बताना पड़ेगा। देखो ठंडी क्या होती, ठंडी में केसर होती है, ठंडी में इलायची भी होती है, ठंडई में दूध भी होता है, ठंडई में बादाम भी होती है, ठंडे में पानी भी होता है, ठंडे में शक्कर भी होती है। हाँ जो भी डालते हैं वो मेरे को सब तजिता मेरे को मोटा मोटा बताया, मैं बता दिया ये सब है। अब ये सब है, ये सब हमने अलग अलग करके बताया ना, अब वो है तो उन सबका अवैध अखंड पिंड, लेकिन हमें उसको समझाने के लिए बात में तो हमको भेद करनी पड़ेगी ना, कथन में तो भेद डाल के समझाया जाएगा, कथन में अभेद अभेद करते रहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझाया जा सकता। बताओ आपको उसको अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा, और घुस के आपको उसके एक 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 जो है उसकी उसका डाइसिफिकेशन करके आपको अलग अलग बताना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ तोड़ के, ऐसे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बोलते रहो आत्मा तो अनंत गुणों का पिंड है, अनंत गुणों का पिंड है, हम देखते देखा क्या है अनंत गुण है, कौन से अनंत गुण, नाम तो बताओ। फिर हम बोले आत्मा में ज्ञान है, अब यद्यपि अपन ने जैसे कहा वैसे भेद हो गया, आत्मा ज्ञानमय है, ये फिर भी थोड़ा अभेद की तरफ जाता है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ये दो वस्तुओं में हमने भेद कर दो बना दी ना, दो बना दी हमने भेद हो गया, जबकि आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है, जिसको हम आत्मा कह रहे हैं वही ज्ञान है, जिसको ज्ञान कह रहे हैं ज्ञान। हाँ वो वस्तु का अंग है, वो वस्तु उसमें ही है, वो वस्तु से अलग ही नहीं हो सकती, वो वस्तु का सर्वस्व है, उसको डिस्क्राइब करने के डिस्क्राइब करने के डिस्क्राइब करेंगे तो वो भेद हो जाता है, तो भेद हो जाता है तो कहते हैं कि ये तो क्या हो गया, व्यवहार में आ गया। जो भी आपने भेद किया, तो यहाँ तक कि इतना तक आता है जिनवाणी में कि कथन मात्र व्यवहार है, वस्तु अवक्तव्य है वास्तव में, तो जो कुछ कहेंगे तो कहा आपने तो भेद के बिना नहीं कहा जा पाता, कहा जा सकेगा आत्मा ज्ञानमय है, तो दो तो चीज आई गई ना, आत्मा और ज्ञान, तो दो भेद हो गए, इसलिए जो कुछ कहा जाता है वो सब व्यवहार है। वस्तु अखंड है, वस्तु अवक्तव्य है, अनुभव गम्य है, बस बोलने बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो भेद डल जाए, वस्तु तो ऐसी है।
समझेगा तो समझे, समझाने के लिए हमने उसको किया ना भेंट डाली, समझाया है वो व्यवहार में सद्बुद्ध व्यवहार में, समझाने के लिए ये सब भेंट डाले जाते हैं, तो इसलिए वो सब समझाने के लिए डाले, तो समझने के लिए वो सब है उपयोगी है, इसलिए तो उसको सद्बुद्ध व्यवहार नैमि स्थान दिया है। देखो सद्बुद्ध क्यों कहा है, क्योंकि वो वस्तु के अंदर है, और व्यवहार इसलिए क्योंकि उसके आधार से भी वस्तु की अनुभूति नहीं होती, वो समझने के लिए तो समझ लिया आपने, जैसे ठंडाई क्या होती है ये समझने के लिए अपन ने समझा, ठंडाई में शेक करके केसर इलायची दूध बादाम सब होता, लेकिन क्या इसको समझने से ठंडाई का आनंद आ जाएगा, ठंडाई की अनुभूति करने के लिए कौन सी क्लास में जाना चाहिए? अनुभूति करने के लिए तो ठंडाई पी जाना चाहिए, लेकिन ठंडाई पीने के पहले ठंडाई बनानी पड़ेगी ना, ठंडाई बनाने के लिए पहले क्लास में जाना पड़ेगा, बिना क्लास में जाए ठंडाई बनेगी नहीं, और बिना ठंडाई बनाए पी नहीं पाएंगे, और बिना पिए मजा नहीं आएगा, बिना पिए भी ठंडाई समझ में नहीं आएगी, और बिना बनाने की विधि समझे भी ठंडाई बनेगी नहीं। तो आत्मा की अनुभूति करनी है अभेद आत्मा की, अभेद की अनुभूति करने के लिए उसे आत्मा को समझना पड़ेगा भेद से, और समझ के भी अपन समझ ले, समझ लिया अपन ने और अनुभूति नहीं करेगा अभेद की, तो भी विकल्प ही रहेंगे, काम नहीं होंगे, इसलिए ये सब उपयोगिता है। तो सद्बुद्ध तो इसलिए कहा है क्योंकि वस्तु में है, और व्यवहार इसलिए है क्योंकि ये कहे जाते हैं, भेद भी वस्तु में कहा जा रहा है, वस्तु में भेद है नहीं, इसलिए व्यवहार है, और नए मतलब ये सम्यक ज्ञान कांक्षे है। तो अब इसकी क्या, इसके भी दो भेद कह रहे हैं, कौन कौन से, वही उच्चरित और अनुच्चरित, अपन ने अभी जितनी भी चर्चा करी वो सब अनुच्चरित की करी, अनुच्चरित जो वस्तु के जो गुण होते हैं स्वाभाविक स्वभाव, उसको वस्तु का कहता है, वस्तु के स्वभाव को वस्तु का जो कहे वो अनुच्चरित है, और जो वस्तु के स्वभाव को वस्तु का ना कहे, वस्तु के विभाव को वस्तु का कहे वो उच्चरित है। है दोनों ही वस्तु में विभाव भी और स्वभाव, वो वस्तु से बाहर नहीं, शरीर तो आत्मा से बाहर है, लेकिन राग द्वेष भाव ऐसे आत्मा से बाहर नहीं, क्या कोई मुर्दा राग द्वेष नहीं करता, करता है कभी राग द्वेष तो आदमी को होते हैं, मुर्दे को आप कोई सा भी हाल पहनाओ मुर्दा कभी कंप्लेन नहीं करेगा, इधर ये पसंद नहीं कुछ नहीं करता, तो कैसे ही सजा दो आप कुछ भी कर दो उसके साथ, कोई कंप्लेन नहीं करता, और जिंदा आदमी को तो बहुत कंप्लेन होती है, राग द्वेष किसको होते हैं, जिंदा आदमी को, ये चद्दर अच्छी नहीं है थोड़ी अंदर वाली अच्छी से ले आओ लगा नहीं है तो आग लगा ढंग से लगा थोड़ी, ये सब राग द्वेष के काम चैतन्य में, चैतन्य से बाहर रागादि भाव का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो वैसे भिन्न नहीं है जैसे कि देह भिन्न है, लेकिन विभाव है ना होते आत्मा में ही है, आत्मा का स्वभाव नहीं होने पर भी आत्मा में ही होने होते हैं, इसलिए सद्बुद्ध है। देखो जो वो भिन्न तो नहीं है ना आत्मा से, भिन्न क्या होता भिन्न किए जा सकते हैं सब सही है, लेकिन क्या वो वैसे भिन्न है जैसे देह भिन्न है, कि अंतर है, अंतर जैसे पानी से तपेली भिन्न है, ऐसे क्या पानी से उष्णता भिन्न है, उष्णता भी वैसे भिन्न है उसका स्वभाव नहीं है, पानी का स्वभाव शीतलता है, लेकिन फिर भी उष्णता और तपेली में बहुत अंतर है, तपेली तो एकदम अलग है और उष्णता उसके वो उष्णता में पानी खुद परिणमित हुआ है, भले ही स्वभाव नहीं है तो क्या हुआ, हाँ भले ही वो ठंडी में वापस आ जाएगा फिर ठंडा हो जाएगा अपने स्वभाव भाव में आ जाएगा, स्वभाव उसका शीतलता है, जल का स्वभाव शीतलता होता है, वो सब मानी बात, लेकिन अभी तो वो गर्म है ना,
ऐसे आत्मा के ये सब स्वभाव भाव नहीं है, मोह राग द्वेष भाव, ये सब विभाव है, नष्ट नष्ट हो जाते हैं, त्रिकाल आत्मा के स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा की पर्याय में होते हैं, आत्मा ही करता है, आत्मा का ही अपराध है, आत्मा इसी के कारण चार गति में घूमता है। यदि आत्मा का अपराध नहीं होता तो इसके फल में कर्म नहीं बनते, और कर्म नहीं बनते तो चार गति में घूमता क्यों? इसलिए इसको जीव के कहे गए। अरे जीव के एकदम नहीं माने जाए कि जीव के है ही नहीं है, तो किसी भी नए से नहीं है, तो फिर जीव के किसी भी नए से नहीं है तो जीव फिर उसके कारण से कर्म भी नहीं बांधना चाहिए, और फिर कर्म नहीं बनना चाहिए तो फिर ये संसार भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये संसार क्यों खड़ा है? आप मनुष्य पर्याय में क्यों? मैंने मनुष्य नाम आयु बांधी थी तो मनुष्य आयु कैसे बांधी थी? अपने भाव से, तो भाव तो जीव के ही नहीं ना, वो तो विभाव भाव है, तो फिर आयु बंधेगी कैसे? आयु नहीं बंधेगी तो मनुष्य पर्याय में रहेगा कैसे? फिर तो ये सब संसार माया हो जाएगी, क्योंकि माया तो है नहीं, तो सब वास्तविकता है। इसलिए उसको विभाव भाव को जीव का कहा, तो सद्भूत में रखा, क्योंकि जीव में है इसलिए सद्भूत, लेकिन वो कैसा है? विभाव है, इसलिए उसको सद्भूत के अंदर कौन सी कैटेगरी में डाला? उपचरित। तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने जीव के विभाव भावों को जीव का कहता, इसका इसका जो है ना, इसका डिपार्टमेंट विभाव भाव को जीव का कहना, जो भी विभाव भाव होंगे मोह राग द्वेष कषाय इन सबको जीव का कहेगा। उपयोगिता है इसकी बराबर अपनी जगह, यदि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो सब संसार ही खड़ा नहीं रहेगा। दूसरी बात कि यदि हम अपराध मानेंगे अपना कि हमारे में होते हैं, तो हम उसके नाश करने का उद्यम भी कर सकते हैं, यदि हमारे अपराध से हो रहे हैं तो हम अपराध मिटा भी सकते हैं, यदि हमें होते ही नहीं है तो फिर नाश करने की बात ही क्या खड़ी होगी? यदि कोई चोर होएगा तो चोर को पकड़ के लाने की बात है, चोर है ही नहीं तो पकड़ के किसको लाए? तो मोह राग द्वेष भाव जीव में किसी भी नए से है ही नहीं, तो फिर जीव के उसको नाश करने का उपाय बताया ही क्यों जाता है? फिर यहां सब बैठे ही क्यों? यहाँ पे सब अपने अपने घर जाओ, फिर काहे के लिए धर्म की कोई बात ही नहीं? धर्म की साधना क्यों करना? धर्म साधना, धर्म मोक्ष मार्ग सब निरर्थक, तो मोक्ष का उपदेश निरर्थक। समझ ना, तो इसलिए उसकी उपयोगिता तो है, यदि उसको सर्वथा न माना जाए तो उससे बहुत दिक्कतें खड़ी होती, इसलिए उसकी उपयोगिता है। हाँ ये है कि वो व्यवहार है, निश्चय नहीं है, स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव नहीं है बराबर है, लेकिन विभाव तो उसके अंदर हुआ ही है ना, नहीं मानेंगे तो उसके नाश का उपाय नहीं कर पाएंगे, उसको पहले खड़ा करना पड़ेगा, पहले खड़ा करें फिर उसकी भले ही अपन फिर जो भी बात है उसको समझेंगे। सद्भूत सद्भाव सद्भूत उपचरित सद्भूत व्यवहार नए, ये सब लिखा हुआ है आपको, पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो कॉन्सेप्ट समझ लो बस, तो आप जो है ना इसके ऊपर कुछ प्रवचन तैयार कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अपने एक बार क्या है ये, बस उसका मेन इसेंस क्या है तो बना लो, उसमें सब नोट्स में मैंने लिखा है सब, सब सारी चीज़ें लिखी है, और हो तो अभी तो खैर आप यही पढ़ लो, नए चक्र है नहीं तो फिर तो बड़े बड़े ग्रंथ है, नए चक्र अंगार धर्मामृत ये सब ग्रंथ है, उनमें है ये सब बातें, ये सब जिनागम के रहस्य है, ये सब जिनागम में इतनी व्यवस्थितता इतना बैलेंस है कि वो कहीं से भी आपको जो है ना वो भ्रष्ट नहीं होने देता, वो एकांति नहीं बनने देता, बहुत जिनागम में बहुत एक एक बात लिखी है, बहुत मार्के की लिखी है, बहुत गंभीर है जिनागम। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार ने किसको कहता है? विभाव भाव को जीव का कहता है, विभाव विभाव भाव मतलब मोह राग द्वेष कषाय, विभाव भाव अज्ञान अज्ञान विभाव सब कुछ जीव का, अज्ञान को जीव का, ज्ञान को नहीं,
ज्ञान तो जीव का है, ज्ञान तो वो निश्चय नहीं कि अपन वो अभी अनुप चरित में लेके लाएंगे। अज्ञान ना क्या विभाव हुआ अल्प ज्ञान, इसका फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो तो भेद विज्ञान तो ये इन सबको जो ना ये सब इन सब बातों को इन सब को जीव का कहता है, मतलब जो विभाव भाव स्वभाव को नहीं इंक्लूड करना है इसमें, मतलब जो नष्ट हो जाता है जीव के साथ शाश्वत नहीं रहता, जो जीव का त्रिकाली स्वभाव नहीं है उसको ये नए जीव का कहता है। अपने अपराध को बताता है कि अपना अपराध है तो हम अपना अपराध स्वीकार करेंगे तो हम उसको दूर करने का उपाय है। तो अब इसको उपचरित क्यों कहा है, क्योंकि ये विभाव है इसलिए उसको उपचरित कहा, नहीं तो इसको अनुपचरित कहते, स्वभाव को अनुपचरित में डालेंगे और विभाव को उपचरित। और सद्भूत क्यों है ये, क्योंकि ये वस्तु का अस्तित्व में है। व्यवहार क्यों है, क्योंकि भेद तो है नहीं, वैसे आत्मा में तो आत्मा मतलब आत्मा में रागादि भाव है, ये भेद हुआ ना, वस्तु तो अभेद रूप है लेकिन भेद किया अपन ने, तो भेद किया तो क्या हो गया व्यवहार। जिस समय आत्मा राग रूप पर्णवी है तो आत्मी राग रूप पर्णवी, कोई राग कहीं अलग तो ही नहीं, आत्मा स्वयं राग रूप हुई है उस काल में, तो रागादि भाव का आत्मा से उस काल में अभेद है लेकिन फिर भी राग अलग है आत्मा अलग है, ऐसा भेद किया ना आपने। तो सर इसमें असद्बुद्धि भी हो गया ना, ये सद्बुद्धि हो गया, सद्बुद्धि है भेद किया इसमें सद्बुद्धि भेद किया। हाँ और ये इस तरह से ये उच्चरित हो गया। अब अनुच्चरित इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी उपयोगिता की तो अपन ने बात करी नहीं, क्या उपयोगिता है इसकी, इसको व्यवहार क्यों कहा है, व्यवहार इसलिए कहा है क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है इसलिए भी व्यवहार का भेद डाला है तो है ही, और साथ में जीव का स्वभाव नहीं है, यदि स्वभाव होता तो हम शायद इसको अनुच्चरित में डालते या निश्चय में डालते लेकिन जीव का विभाव होने से व्यवहार कहा है। सारी बात समझ में कुछ नहीं आ रही हो तो बता देना, थोड़ा सा अपन फास्ट चल रहे हैं और स्लो चलना तो स्लो कर सकते हो गाड़ी, नहीं समझ में आया तो बता देना, अपना इनपुट दे देना मेरे को आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई चीज आगे चली जाए तो रोक के पूछ लेना कि नहीं आ रही है बात। निश्चय ये तो निश्चय होना चाहिए, देखो उसका ऐसा है कि गुण भेद भी विकल्प उत्पन्न करते हैं, ये विकल्प के कारण है, भेद विकल्प की उत्पत्ति करता है, भेद विकल्प का जनक है और अभेद जो है वो निर्विकल्प का कारण, इसलिए उसको व्यवहार का जब तक भेद है भेद का तब तक विकल्प है। आत्मा में ज्ञान है दर्शन है चाहे तो तीन चीज खड़ी कर दी, तब ज्ञान पे दृष्टि करूंगी दर्शन पे कि चाहे पे किस पे करूं, ये विकल्प खड़े होते हैं इससे भी, मैंने भेद भले ही सत्यार्थ है लेकिन सत्यार्थ भी भेद किए तो भेद तीन चीजें हो गई तो आपके विकल्प तो आ गए, एक में विकल्प नहीं होते, दो में विकल्प कोई बिना नहीं रहते, एक है वहां कोई विकल्प नहीं, जैसे एक ही बच्चा है सब कुछ इसको ही देना, दो है तीन है चार है पांच है तो भैया पहले ही कर जाओ सब, नहीं तो बाद में डंडे चलेंगे, डंडे की व्यवस्था पहले कर लो, वही होता है ना विकल्प का होंगे, दो ही होंगे, एक में कोई विकल्प का काम नहीं, एक तो अभेद निर्विकल्पता का कारण, तो एक अभेद आत्मा का ध्यान वो निर्विकल्प होने का कारण है और भेद का ध्यान जो है वो विकल्प का कारण है। अब ये सब क्या है एक्चुअल में, लोक में भी ऐसी विधि है, देखो जब अपने ठंडे बनानी पड़ती तो अपन भेद करने ही पड़ते हैं, बिना आप समझे कि भाई ये लाल शक्कर चाशनी शक्कर इलायची केसर ये सब इकट्ठी करनी पड़ेगी, और जब पीनी होगी तो पीते समय विकल्प नहीं कर सकते आप, पीते समय आप ये सोचने लग जाए अरे केसर कितनी महंगी और डल गई ज्यादा है, तो अब केश अब ठंडी गई तुम्हारी एक तरह, ठंडी पीते समय आपको कोई चीज याद नहीं आनी चाहिए कि केसर का क्या भाव नहीं इलायची क्या भाव नहीं कितनी डाली नहीं क्या डाली, तो अब आप आराम से आग नीच के ठंडे पियो
तो कोई कह सकता है कि जब अभेद को पीना है तो फिर ये सब भेद इतनी सारी चीजें इकट्ठी क्यों करूं, कि इकट्ठी किए बिना बनेगी भी नहीं ना, इसलिए इकट्ठी भी करना जरूरी है। ऐसे आत्मा को अनुभव भी करना है, जब अभेद कही तो भेद करो ही मत, भेद किए बिना अभेद की भेद किए बिना समझ में ही नहीं आएगा, वो अभेद की पहचान भी नहीं होगी। भेद समझने के लिए और अभेद समझ के समाने के लिए, क्या कहा, भेद समझने के लिए, समझे बिना अनुभूति नहीं हो सकती, और अभेद समाने के लिए, केवल समझ तो लिया लेकिन अनुभव में नहीं आया तो भी अभी मजा नहीं आया। तो इसलिए ये अनुपचारी सद्गुरु व्यवहार में भेद करता है, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, और ये जो भेद करता है ना, एक चीज और ध्यान रखना, ये सब वस्तु के यथार्थ गुण जो स्वभाव है उसका, वो स्वभाव की भेद करता है, ये रागादि को तो टच भी नहीं करता है अनुपचारी सद्गुरु। ये तो वस्तु में जो गुण होते हैं, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, अस्तित्व वस्तुत्व अप्रमेयत्व आदि गुण है, जो है आत्मा के स्वाभाविक गुण है, त्रिकाल अवस्था त्रिकाल रहते हैं, सिद्ध अवस्था में भी रहेंगे, उनको ही कहता है। तो ऐसा लगता है तो निश्चय में जाना चाहिए, लगता है कि नहीं, आत्मा में ज्ञान है, ये व्यवहार ने निश्चय में, आत्मा में दर्शन है, चारित्र है, सुख है, आत्मा में वीर है, आत्मा में अनंत गुण है, ये सब क्या है, निश्चय के व्यवहार है। यदि किसी ने नहीं पढ़ा हो उसको बताओ तो क्या निश्चय है, तो आत्मा में है ये सब चीजें। अब इसको व्यवहार किसने किस अपेक्षा से कहा है कि केवल ये जो है ना, ये भेद किए गए हैं, इसके आधार से अनुभूति नहीं हो सकती और हमें अनुभूति करनी है, इसलिए इसको भी व्यवहार में डाल दिया, ये लक्ष्य है। बाकी वो है नहीं, वो व्यवहार में डाल दिया का मतलब ये नहीं है कि वस्तु में है ही नहीं, ये वो सद्भुत व्यवहार है, सद्भुत में भी अनुच्छेद सद्भुत है, अरे वस्तु में है तो सही लेकिन उसके लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती, पर हमें अनुभूति करनी है, इसलिए उसको व्यवहार में डाला। सिर्फ ज्ञान से अनुभूति क्लोज टू निश्चय, एक अंग से उसकी वस्तु में, एक अंग से समझा नहीं, वस्तु को तो सर्वांगी समझेंगे ना, आत्मा में ज्ञान भी है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, और एक अंग भी समझा अपन ने उसमें तो भी भेद तो डाल ही दिया ना, आत्मा में ज्ञान है, तो ज्ञान और आत्मा दो किए नहीं किया, दो कर दिए, लेकिन इसके बिना समझाया नहीं जा सकता, दिक्कत ये अभेद को भेद के बिना समझाया नहीं जा सकता, बिना अभेद को भेद किए समझा दो, वो समझना इसलिए जरूरी है। देखो सबसे पहले आत्मा को समझे जीव, यदि ये समझेगा ही नहीं तो उसकी महिमा नहीं आएगी, महिमा नहीं आएगी तो अनुभूति कहाँ से होगी, अभी तो इसको परद्रव्यों की इतनी महिमा चित्त में बैठी है कि इसको आत्मा की महिमा ही नहीं है, और आत्मा की महिमा यदि हम ये कहते रहे कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है और कुछ भी खोल के नहीं समझाए तो ये दाल रोटी की महिमा गाता रहेगा, इसलिए उस आत्मा को पहले खोल खोल के समझाएंगे, उसका वैभव समझाएंगे, इसलिए समझाएंगे ताकि इसकी परद्रव्य से रुचि खत्म हो और आत्मा में रुचि उत्पन्न हो, फिर जब रुचि उत्पन्न हो गई तब कहेंगे अब तू अपने आत्मा का अभेद अनुभव कर, समझ जाएगी बात, ये बाकी हम चलो कल करेंगे, अपना समय हो गया।